She-Hulk सीरीज फाइनली खत्म होने के बाद मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग्स है। I mean especially एपिसोड 9 से। मैं ये कह सकता हूँ कि MCU के टीवी सीरीज का अब तक का सबसे क्रिएटिव एपिसोड था, मगर ये इसे कोई अच्छा नहीं बनाता। ये अभी भी बहुत ही ज्यादा मिड है। फिर इसके बारे में और चर्चा करने से पहले इस एपिसोड की समरी के बारे में जान लेते हैं कि She-Hulk एपिसोड 9 Who show is this? क्रिएटिविटी की सारी गोलियां खा जाती है, लेकिन मार्वल जिन क्रिएटिव चॉइसेस पे तंग कस रहा था इस पे, ये उन्हीं को ठीक नहीं कर। खैर, एपिसोड की शुरुआत एक विंटेज She-Hulk के ट्रेलर से होती है जो अभी तक के सारे इवेंट्स को रिकैप करती है। एंड जेनिफर की नींद खुलती है DODC की जेल में, जहां उसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आजादी मिलती है कि जहां उसकी जॉब जाएगी वो कभी She-Hulk नहीं बन सकती और किसी लफड़े में नहीं फंस सकती। मामला बद से बदतर हो जाता है, उसे मजबूरी में अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट होना पड़ता है जहां वो इंटेलिजेंसिया को ट्रैक करती है, मगर कुछ होता नहीं है। देन वो एमिल ब्लॉन्स्की के रिसॉर्ट पे जाती है क्योंकि आखिरी बार सुकून उसे वहीं मिला था, और एमिल से कुछ इनसाइट्स भी ले लेगी, जहां जाके उसे आगे पता चलता है कि इंटेलिजेंसिया की हिडन मीटिंग तो यहीं पे हो रही है। और अपनी फ्रेंड निकी से उसे इंटेलिजेंसिया के फाउंडर टॉड और इस कॉन्स्पिरेसी के सच के बारे में पता चलता है, जहां अखंड बकचोदी होती है, सारे बैड गाइज आ जाते हैं, हल्क भी आ जाता है, पागलपंती मचती है, मगर जेन को ये एंडिंग पसंद नहीं आती। तो फिर वो अपने क्लासिक कॉमिक स्टाइल में फोर्थ वॉल के गांड में घुस जाती है और शो के मेकर से जाके बात करती है कि क्या बकचोदी तुम ये लिख रहे हो, ऐसी एंडिंग नहीं चलेगी। और आयरॉनिकली शो के OG क्रिएटर्स भी वहीं बैठे हुए हैं उसी एंडिंग को डिस्कस करते हुए, जिससे मेरे को डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की एंडिंग याद आ गई, मगर और भी बुरी। खैर, जब She-Hulk के क्रिएटर्स इसका सारा जिम्मेदार केविन को बना देते हैं, तो She-Hulk मार्वल स्टूडियोज में केविन के पास मिलने को जाती है, जहां हम सबको पता चलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को यह यहां से कंट्रोल कर रहा है। और एक फन फैक्ट, ये एपिसोड तुमको लगेगा कि She-Hulk वर्सेस इंटेलिजेंसिया के ऊपर है, बल्कि एक्चुअली में ये She-Hulk वर्सेस KEVIN यानी केविन के ऊपर है, जहां शो में केविन को एक इंसान से हटाकर वॉली के AI जैसा बना दिया जाता है, जहां ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंटरटेनमेंट AI है जो नियर परफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाता है। एंड नाउ इधर से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स। प्रॉपर बहस होती है, केविन She-Hulk को रियलाइज करा देता है कि ये किसका शो है, केविन का, जहां जेनिफर रियल लाइफ के MCU के कुछ क्रिटिसिज्म्स के ऊपर बात करती है कि MCU की ऑलमोस्ट सारी कहानियां एक जैसी क्यों लिखती है। शो का एक्चुअल थीम भी सॉर्ट आउट होता है, जहां She-Hulk को जेन एक साथ जीना फिगर आउट कर रहे हैं, मगर उसकी जिंदगी के एल लगे हुए हैं, मगर She-Hulk अपने मेसी क्लाइमैक्स को रीराइट करती है, जो डे 1 से अपन को सुपर सोल्जर वाली सीरम की बकचोदी दी जा रही थी, उसे वो पूरा खत्म करते हैं, ब्रूस को हटा देते हैं, जहां हमें उसकी मूवी का कॉन्फर्मेशन मिलता है, एबोमिनेशन को भी डिज्नी एंडिंग देते हैं कि भाई उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है, डेयरडेविल को भी वापस लेकर आते हैं लिटरली अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, जो कि मैं कोई बुरा नहीं मानता, अगर मैं भी होता तो मैं भी यही कर रहा हूं। MCU डैडी इश्यूज के ऊपर ये डिस्कशन चलता है, एक्समैन के भी राज पूछे जाते हैं मगर कोई आंसर नहीं मिलता, एंड She-Hulk के बिग स्क्रीन पे आने का हिंट भी मिलता है। कट बैक टू शो, पुलिस टाइम पे आ जाती है, सबको अपनी गलती रियलाइज हो जाता है, जेनिफर को खुद को साबित करने के लिए उसे एक केस मिल जाता है, एंड में सब कुछ अच्छा अच्छा, एंड देन जेन अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ साथ में लंच कर रही होती है, डेयरडेविल भी अपने एज अ बॉयफ्रेंड की तरह उसे इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि भाई पेरेंट्स के साथ में खाना खाने का मतलब तो यही होता है। जहां हल्क भी सकार से वापस आ चुका है अपने बेटे स्कार के साथ, और वो सारी चीजें मूवी में उसकी एक्सप्लेन होंगी, जिसके साथ हमें एक मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जहां वोंग एमिल ब्लॉन्स्की को DODC की जेल से निकालकर कामताज में अपनी स्पेस देता है, जहां विच मींस कि ही इज विद द गुड गाइस, एंड या दैट इज द एंडिंग। ऑनेस्टली बोलूं तो खत्म होने के बाद मुझे सुकून मिला कि फाइनली ये बकचोदी खत्म हुई। ये शो अभी भी बहुत ही ज्यादा मिड है, और इसे पता है किस तरीके से होना चाहिए था। इस शो के 3 एपिसोड्स आराम से निकाले जा सकते थे, एंड में एक्सपेक्टेशंस के अगर चीथड़े उड़ाने थे तो एक साथ इसे डाल दिया जाता तो काफी अच्छा फील होता, क्योंकि इसे देखने के बाद फील हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ तो नहीं मगर काफी अच्छा खासा इसके साथ अपना टाइम वेस्ट किया। अगर ये एक साथ आ जाती तो बहुत अच्छा होता, मगर फालतू का खींच दिया। ये शो इंटरनेट के क्रिटिसिज्म का एक्सट्रीम वर्जन दिखाता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर इंपॉर्टेंट वो होते तो और भी वेट फील होता। इसके बाद भाई हमें इसके एंड में भी पूरे शो के थीम का आंसर नहीं मिलता। वो अभी भी She-Hulk और जेन के साथ जीना सीख रही है, जिसकी पर्सनल लाइफ का एंड गेम कहा जाता हुआ नजर आता है। ओवरऑल इस पूरे शो का कॉन्सेप्ट और एंड गेम बस MCU के आने वाले शोज के हिंट्स, अनाउंसमेंट्स और टीज देना था, क्योंकि यही था इस शो का क्लाइमैक्स। इसके ऊपर से ये शो MCU के She-Hulk के लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं देता, ना ही इसके शो के लिए और ना ही मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में। इसे इस तरीके से कह सकते हो कि ये कॉमिक कॉन का सुपर 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 लाइट वर्जन था, जहां हमें आने वाली कहानी के टीज मिलते हैं She-Hulk की जिंदगी से ज्यादा, क्योंकि ये कहावत इसके लिए परफेक्ट बैठती है कि भाई आपने भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान की गाड़ मार,
और इस बार तो भाई आप खुले में कह रहे हैं कि क्रिएटर्स बता रहे हैं कि भाई हमने खराब कहानी लिखी है, इतना खराब लिखी है कि बहनचोद कैरेक्टर को निकल के आना पड़ रहा है रियल लाइफ में कि चूतियों लिख क्या रहे हो तुम। जहां मैं ये पॉजिटिव देना चाहूंगा कि ये एपिसोड एमसीयू का अभी तक का सबसे क्रिएटिव एपिसोड था जो कि मुझे पसंद आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसे अच्छा बना देता। जेन केविन के क्रिटिसिज्म्स को देती है, कुछ क्रिटिसिज्म्स को देती है, लेकिन फिर पता नहीं ये भूल जाते हैं कि ये भी तो वही ही फिर गलतियां कर रहे हैं। जैसे इनके एमसीयू डिज्नी प्लस के शोज का भाई जो स्ट्रक्चर है, आखिरी के दो एपिसोड्स में ही असली काम होना है। नो मैटर व्हाट, आप चाहे 8 एपिसोड्स के शो बनाओ चाहे 6 एपिसोड्स के शो बनाओ, आखिरी के दो ही में अच्छा खेला होगा, बाकी बकचोदी चलती रहेगी। और मेरा मानना यही है कि मैं लेक्चरिंग में बिलीव नहीं करता, मैं एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूं। मगर खैर, मैं इस बात से खुश हूं कि शीहल खत्म हुआ। मुझे इसके कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि मजा आती है, वो भी कोई एक्शन बकचोदी के चक्कर में नहीं। वो सेक्सी है, कॉन्फिडेंट है, वाइब्रेंट है, मजेदार है। जहां इसमें मजेदार तितानिया मासलेनी की एक्टिंग ही थी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, मगर राइटिंग बहुत मीडियोकर, उन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजों को टोन डाउन कर दिया। और शीहल का वो कॉमिक चार्म मिसिंग था, जो कि मुझे बहुत ही दुख है कि शीहल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे भी ये बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ पे आगे तुम ही देख लेना कि लोग इसके बारे में कितना बात कर रहे हैं। सोच सकते हो इसे लेक्चर देना पड़ रहा है कि भाई ये शो किसका है, पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक। और भवकाल का नंबर वन नियम ही यही है कि अगर आपको बताना पड़ जाए कि आप कौन हो, समझ जाओ आपके अंदर भवकाल नहीं है। खैर, तुम्हें कैसा लगा शीहल के लिए? मैं तो शीहल के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, मगर इस शो के लिए नहीं, क्योंकि शीहल हमारे दिल में रहती है। वैसे तो अपन शीहल को देख ही लेंगे, खूबसूरत तो है ही। खैर, इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें शो को अब पूरा देखने के बाद कैसा लगा। ये हिंट्स के ऊपर ही ये शो था। खैर, तुम अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा इस मसालेदार कमेंट सेक्शन में इंतजार जरूर करूंगा। मगर तब तक के लिए शीहल के एपिसोड 8 के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। अगर देखना चाहते हो तो जरूर देखना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।